यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ करेंगे मुलाकात। रूस के शहर सोची में 21 मई को होगी बैठक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के राज्य संपत्ति विभाग ने 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भेजा नोटिस। 15 दिनों के अंदर सरकारी बंगला करना होगा खाली। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाक ने एक बार फिर किया सीज फायर उल्लंघन। एक जवान शहीद और एक जवान हुआ घायल। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला का दावा, येदियुरप्पा महज एक दिन के मुख्यमंत्री होंगे साबित। दिल्ली के रोहिणी के आध्यात्मिक आश्रम का मामला, बाबा वीरेंद्र दीक्षित के खिलाफ इंटरनेशनल ब्लू कॉर्नर नोटिस के बारे में सीबीआई ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। मामले में महीनों बाद भी सीबीआई के हाथ है खाली। यूपी के फैजाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप के मामले में सुनाई दोहरी उम्र कैद की सजा। आरोपी ने नाबालिका स्कूल जाते समय किया था अपहरण करके हत्या। पानीपत के बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामला, पंचकुला की एनआईए की विशेष अदालत में सुनवाई। मुख्य आरोपी असीमानंद सहित सभी आरोपी कोर्ट में होंगे पेश। उत्तर भारत में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, दिल्ली गुड़गांव में चली धूल भरी आंधी। वहीं झज्जर में आंधी के साथ हुई बारिश, दिल्ली एनसीआर में अलर्ट जारी।